देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू 7 जनवरी को मार्केट कैसा होगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट के हेल्प से। नमस्कार, मैं जीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, पहले जब हम लोग पहले मंथली कैंडल देख रहे हैं, मंथली बहुत ही अप ट्रेंडिंग है निफ्टी। बाद में हम लोग वीकली कैंडल देख रहे हैं, वीकली भी बहुत ही अप ट्रेंडिंग है निफ्टी। प्रॉपरली हम लोग देख सकते हैं अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हुए, कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई बना रहा है, न्यू लाइफ टाइम हाई बना रहा है। आज का जो हम लोग एक्शन देखें, तो आज का एक एक्शन देखने लायक है, हम लोग समझने की कोशिश करें। हम लोग आप ये देख सकते हैं कि जो निफ्टी है आज 53 पॉइंट माइनस रहा। अगर आज का कल का क्लोजिंग हम लोग देखें यहाँ पे, तो जो कल की क्लोजिंग थी वो 14,199 पे थी, मतलब 14,200 तक आप कह सकते हैं। और आज की जो ओपनिंग थी वो 14,240.95 थी। यहाँ पे हम लोग ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं, मतलब जो निफ्टी है मॉर्निंग में 41 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हुआ था। हम लोग आवरली चार्ट पे देखते हैं, गैप अप के साथ हुआ था। गैप अप के साथ होने के बाद क्या किया निफ्टी ने, ये उसकी गैप अप ओपनिंग है। ये वाली कैंडल ओपन और हाई, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओपन और हाई दोनों सेम था, ओपन और हाई दोनों सेम था। निफ्टी नीचे गिरी और बहुत तेजी से गिरी, फिर आप देख सकते हैं 1 घंटे में 103 पॉइंट तक माइनस हो गई थी क्लोजिंग बेसिस पे। वैसे इस कैंडल का अगर हम लोग लो देखें तो 14,139 है, 039 यहाँ पे देख सकते हैं, 14,039। और जो उसकी क्लोजिंग दिया है वो 74 पे दिया है, तो मतलब यहां से भी तकरीबन 30 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे था। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 130 पॉइंट माइनस था इसी एक कैंडल में। उसके बाद एक हायर लो स्टेब्लिश किया, यहाँ पे इस कैंडल पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बन रहा है, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो हायर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक वापस एक हायर लो स्टेब्लिश किया है आर्ली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं। मगर हम लोग एक एक आज एक नोटिस करने की चीज है, हम लोग यहाँ पे ये देखें तो जो कल का जो लो था इस कैंडल का वो था, यहाँ पे लोग देख सकते हैं 14,048, और आज का जो लो था वो था 14,039, मतलब तकरीबन 9 पॉइंट नीचे गया है निफ्टी, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। क्योंकि तो निफ्टी इसके पहले कर नहीं रहा था, आप देख सकते हैं एक हर हाई बनाता जा रहा था। यहाँ पे लोग सिर्फ एक जो नीचे गिरा था एक वो देख सकते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हायर बना रहा था। अभी यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है वो +75 पॉइंट पे है। हायर लो एस्टेब्लिश किया था बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी बहुत ही एग्रेसिव रहा। बैंक निफ्टी ने कुछ ब्रेक नहीं किया है अपने प्रीवियस लो को, मतलब कल के लो को ब्रेक नहीं किया। जो कल का लो था यहाँ पे लोग देख सकते हैं वो था 30,935, वहां के नजदीक में भी नहीं आया बैंक निफ्टी, 31,548, मतलब बहुत ही पॉजिटिव था बैंक निफ्टी। अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखें तो मंथली चार्ट पे अप ट्रेंडिंग है, लाइफ टाइम हाई के नजदीक है अपने, ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी। यहाँ पे हम लोग देखें डेली चार्ट में भी प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है, एक हायर लो एस्टेब्लिश किया है और एक वापस स्ट्रेंथ लेते हुए वापस ऊपर जाएगा, ऐसा लगता है चार्ट को देख के जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उस बेसिस पे। हम लोग बात करें आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जितना निफ्टी गिरा है, निफ्टी जितना गिरा है उतना बैंक निफ्टी नहीं गिरा है। अगर बैंक निफ्टी अभी नहीं गिरा है, इसके पहले वो प्रॉपरली गिर रहा था, अगर हम लोग देखें तो ये अभी जो है वो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी। प्रॉपरली ऐसा लग रहा है हायर लो एस्टेब्लिश किया है बैंक निफ्टी ने, और यहाँ से वापस वो अपने मेन ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड को मूव करेगा, ऐसा लगता है। तो अभी भी मार्केट पॉजिटिव ही लग रहा है, मगर जो भी पोजिशन इस टाइम हमको बनानी चाहिए वो मतलब विदाउट स्टॉप लॉस तो सोचना भी नहीं चाहिए, जिस तरीके से मार्केट इतना ऊपर है उसके हिसाब से। अगर हम लोग देखें तो आज एशियन पेंट ठीक ठाक है, यूपीएल ने भी आज अच्छा मतलब एक लो मार के वापस रिकवरी दी थी ऊपर तक। अल्ट्राटेक सीमेंट आज बहुत चला है, बहुत चला है आज। अल्ट्राटेक में पोजिशन ली थी हमने और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। ब्रिटानिया भी ठीक लग रहा है। एक आज रिलायंस इंडस्ट्री बहुत गिरा है, हम लोग देखें तो तकरीबन 2.64% 51% गिरा है निफ्टी में। जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे कि 11-11.5% का वेटेज है रिलायंस का। हम लोग एनएससी की साइट पे जाके देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स चले हैं, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स चले हैं और क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है एनएससी का। 24 स्टॉक्स पॉजिटिव थे और 26 डिक्लाइन थे, नेगेटिव थे। देखिए पावर ग्रिड, गेल, हिंडालको, सीमेंट और आईटी चले थे। फिर देखें तो आईटीसी, एक्सिस बैंक ये माइनस थे, मतलब लोग मोस्ट एक्टिव देख लेते हैं। तो रिलायंस आज मोस्ट एक्टिव में था, मतलब कितने लैक्स के ट्रेड हुए हैं, और वॉल्यूम अगर देखें
आइडिया, मतलब क्वांटिटी वॉल्यूम अगर देखें तो आइडिया और ट्राइडेंट ये देख सकते हैं लोग इसमें ट्रेड हुआ है। हमारा मॉर्निंग ऑफ ठाकुर कैपिटल के साइड पे जाकर देख सकते हैं हमेशा कि हमारा क्या व्यू रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट को किस तरीके से। तो ब्लॉग पे आप जाके डेली ब्लॉग चेक कर सकते हैं हमेशा। हम अभी देखें तो अभी मार्केट पॉजिटिव ही है और हमको पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए मार्केट में। आज हमने कोई ब्लॉग हमारा नहीं था, मगर आज हम लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि निफ्टी ने कैसा डिप दिया, उसके बाद एस्टेब्लिश किया वापस हायर को, वापस अप ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है अपने। एक यहाँ का सपोर्ट लिया निफ्टी ने, अभी भी मार्केट पॉजिटिव है और हमको पॉजिटिव ही देखना चाहिए। अगर मार्केट जब भी गिरे हमको अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशन पे बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे यूपीएल हमने कहा, यूपीएल भी आज 82 का हाई मारने के बाद फिर वापस एक लो बनाया था 467 का, और यूपीएल के लिए भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर लोग बाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब।